कहा गया कि एक से दो दिन का वक्त लगेगा, स्थिति में तेजी से सुधार है लेकिन फिर भी एक से दो दिन का वक्त लगेगा और तभी हीराबाग के डिस्चार्ज पर फैसला लिया जा सकेगा। जी ज्योत्सना, तो अस्पताल में हीराबाग की सेहत की जानकारी आपने सुनी, किस तरीके से उनकी सेहत बेहतर है और उनका हालचाल आने के लेने के लिए लोगों का आना जारी है। सुबह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे थे, तो थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक दिनेश कुशवाहा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। दिनेश कुशवाहा से बात की इंडिया टीवी संवाददाता राकेश ने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश कुशवाहा यूएन मेहता हॉस्पिटल पहुंचे थे और हीराबाग की तबीयत जानने के लिए वार्ड तक गए थे। क्या मुलाकात हो पाई आपकी दिनेश जी हीराबाग से? क्या आपने सीधे उनसे स्वास्थ्य के बारे में बात कर पाए आप उनसे? हीराबाग की तबीयत ज़्यादा अच्छी ना होने से डॉक्टर की मतलब सलाह के मुताबिक वहाँ अंदर जाना हितावाना था, तो जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वही करना चाहिए। तो हम लोग अंदर ना जाकर परिवार के सदस्य पंकज भाई, सोम भाई और प्रहलाद भाई जो वहाँ बैठे थे उनसे उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर हम लोग वहाँ से निकल आए, मतलब उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली हमने। क्या जानकारी मिल पाई पंकज भाई से या सोम भाई से? पंकज भाई का कहना ऐसा था कि कल जब उनको जब ये व्यवस्था में जब प्रॉब्लम आई तो सबसे पहला फ़ोन उन्होंने हमारे यशस्वी वैश्विक नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को फ़ोन किया कि भाई मम्मी की तबीयत में इस तरह का है, तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल के लिए कहा और वो हॉस्पिटल लेके आए और डॉक्टरों ने तुरंत जो ट्रीटमेंट किए उससे उनकी तबीयत में खूब ज़्यादा सुधार है। कल जब अपने नरेंद्र भाई जब उनकी तबीयत देखने के लिए माता जी के आए तो माता जी ने उन्होंने कल भी जिस हाथ में उनको प्रॉब्लम था वो हाथ उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया, ऐसा मुझे जानने मिला है। कौन मौजूद है यहाँ पे अस्पताल में हीराबाग के घर? उनके परिवार के सदस्य में प्रहलाद भाई, सोम भाई और पंकज भाई, उनके जो तीनों तीन बेटे हैं वो यहाँ हाजिर हैं। हमारे वैश्विक नेता जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कल उनकी माता जी की खबर अंतर लेकर और उनके स्वास्थ्य के लिए सारा जो व्यवस्था है व्यवस्था खूब अच्छी व्यवस्था है। यूएन मेहता ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतनी अच्छी फैसिलिटी है जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं और सारे डॉक्टर लगे हुए हैं और देश में सभी जगह उनके लिए मन्नतें मानी जा रही हैं और लगे जगह जगह सोमनाथ मंदिर और सब जगह लोग ये जो दुआएं होती हैं वो बहुत काम करती हैं और हमारी हीराबा जो हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा वो है वो हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। आखिरी सवाल ये कि क्या डॉक्टरों से या परिवार से बात हो पाई, कब डिस्चार्ज होंगे अस्पताल से, क्या कुछ बता पाने की स्थिति में है डॉक्टर या परिवार के लोग? परिवार के लोगों से बात हुई है, डॉक्टर से बात नहीं हुई है। परिवार का कहना ऐसा है कि स्वास्थ्य में खूब ज़्यादा सुधार है, जब उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया सारी व्यवस्था ठीक हो जाने पर उन्हें छुट्टी दी जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें हीराबाग की तबियत में सुधार के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी को खत लिखकर हीराबाग के जल्द ठीक होने की कामना की। शरद पवार ने अपने खत में कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका अपनी माँ के साथ कितना मजबूत रिश्ता है और मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी जिंदगी का कितना मुश्किल फेज है, लेकिन उम्मीद है कि हीराबाग जल्द ठीक हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। अब बात राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर जारी घमासान फाइट की कर लेते हैं। कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया
और आज सीआरपीएफ ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया और बीजेपी ने राहुल के इस जवाब पर पलटवार किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, जो सीआरपीएफ की तरफ से जवाब में बताया गया था, और उसी जवाब के सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी बार बार बचकानी हरकतें करते हैं, खुद सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के बयान में ये बातें कही गई थी। सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी